वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने के लिए सोलर सिस्टम देंगे। वर्ल्ड बैंक में इस प्रोजेक्ट पर 100 मिलियन डॉलर फंडिंग कर रहा है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सिंध में तेज बारिश के अलर्ट के बाद सूबाई वज़रा की हैदराबाद में बैठक। सईद गनी ने कहा कि दुनिया भर में तवक्को से ज्यादा बारिशें हो तो सूरत हाल बिगड़ती है, दुआगो हैं कि इतनी ही बरसात हो जिसका हम मुकाबला कर सकें। और कराची में आसमान पर बादलों के डेरे, शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध के बालाई और वस्ती शहरों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। राजापुर में कोहे सुलेमानी पर तूफानी बारिश के बाद आबी रेले निकल पड़े। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाए चनाब की सतह बुलंद होने लगी। हेड मराला खान की बिराज और हेड कादराबाद में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ, आवाम की आवाज़ इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच ही गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इनकम टैक्स में रिलीफ का इंदिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौशी टीम को इनकम टैक्स शरह में तब्दीली का टास्क दे दिया। माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी। महंगाई और महंगे बिजली बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, बोले फॉर्म 45 पर आने वालों को अवामी मफादात को भी देखना चाहिए, अवामी मसाइल पर ही सियासत होगी, अपना हक लेकर उठेंगे। वज़ीर आज़म साहब, अब इस धरने से फरार मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड और CDA का मारगला हिल्स पर कंट्रोल का तनाज़ा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत मौसमियाती तब्दीली से दाखिला डिवीज़न के मातहत कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड के असासे और वाजिबात भी दाखिला डिवीज़न को शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख में इजाफा, ड्रैप ने नोटिस ले लिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख फौरी रोकने की हिदायत, ड्रैप ने तमाम सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी कर दिया। मुल्क भर में नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख फौरी रोकने का हुक्म। मर्दान में थाना चूरा के हदूद में पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फैसलाबाद के इलाके ठेकरी वाला में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक डाकुओं से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। मारे गए डाकू मुतादित मुकदमात में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता थे। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के करीब होटल की लिफ्ट टूट गई। सिविल जज और उनकी अहलिया शदीद जख्मी, जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज साजिद बिलाल की दोनों टांगें फ्रैक्चर, इंतजामिया ने होटल सील कर दिया। बकरियां खेत में क्यों गईं? हैदराबाद में जमींदार की फायरिंग से चरवाहे का बेटा जाम बहा। बासर जमींदार ने 7 साल के ताहिर को बकरियां खेत में ले जाने से मना किया था। वाके के बाद वर्सा का हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाज। और चिश्तियों में मैपको हुकाम का कारनामा, गोलगप्पे की रेहड़ी मालिक को 7 यूनिट का 1600 का बिल मौसूल। रेहड़ी मालिक ने बिल रेहड़ी पर चिपका दिया, कहना है कि किराए के मकान में रहता हूं, इतना बिल नहीं दे सकता।